अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड स्मिथ। आज मैं रेसिपी जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है आलू वड़ियाँ। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो है 1/3 कप मैंने ऑयल लिया है और 2 दरमियाने साइज की स्लाइस प्याज ली हैं, 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 मीडियम साइज का टमाटर है और 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है और मैंने एक स्मॉल पैकेट जो है रेडीमेड वड़ियाँ यूज़ की हैं। इसको आप घर में भी बना सकते हैं लेकिन मैंने जो है वो रेडीमेड भी यूज़ की है। और मसालों में नमक लिया है 1 1.5 टीस्पून, 1 टेबल स्पून जो है पिसी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है और 1 कप के बराबर जो है मैंने दही लिया है और पानी हमें चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत। पॉट मैंने लिया हुआ है, अब इसमें मैं फ्लेम ऑन है, इसके नीचे ऑयल डाल दूंगी 1/3 कप जो लिया है। इसके अंदर हम सबसे पहले प्याज ब्राउन कर लेंगे, 2 अदर जो मैंने स्लाइस ली हैं। ये जो है इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी, ब्राउन करके हमने इसको निकाल लेना है। ये देखें जी, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, इसको अब हम निकाल लेंगे, निकाल कर ठंडा कर लेंगे। प्याज हमारा ठंडा हो चुका था, अब हमने इसको ग्राइंडर में डाल लिया है। उसके साथ हमने जो 1 टमाटर लिया है वो साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको ग्राइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। बजाय ये कि हम पानी ऐड करें, हम ये जो 1 कप के बराबर हमने योगर्ट लिया है वो डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इकट्ठाई इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा जो है मिक्सचर वो ग्राइंड हो चुका है। अब हम जो है वो लहसुन हमने नहीं यूज़ किया था, वो अब हम यहाँ पे पहले लहसुन को भून लेंगे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। अब हम यहाँ पे मसाले ऐड कर देंगे, जो हमने नमक मिर्च और धनिया पाउडर हल्दी लिया था, इनको भी साथ ही 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके भुनने की मसालों के। अब इसमें हमने जो ग्राइंड किया हुआ है मिक्सचर प्याज टमाटर और दही का वो ऐड कर देंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसमें सारा निकाल लेंगे। ये अब हमने इसमें मसाले भी डाल दिए हैं और ये सारा दही का जो मिक्सचर है वो भी डाल दिए। अब इसको हम भून लेंगे ताकि ये घी छोड़ दे। पाँच मिनट तक अब हम इसको भून लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा जो है वो घी निकला है। अब इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा जो है ना वो इसका मसाला ज़रा थोड़ा सा पतला हो जाए, ताकि वड़ियाँ जो है हम इसको थोड़ा सा उसके अंदर भून लें। ये मैंने इसमें वड़ियाँ डाल दी हैं और इसको इसमें पानी भी हमने उतना ऐड कर लेना है जितना के आपको ज़रूरत है इसको कुक करने के लिए। इसको जो है वो हमने 5 मिनट के लिए इसको हम कुकर लगा देंगे, साथ ही आलू भी डाल देते हैं ताकि साथ ही ये भी गल जाएंगे। अच्छा, जब ये तैयार होते हैं वड़ियाँ जब तैयार होती हैं तो ये काफ़ी जो है ना पानी जज्ब कर लेती हैं और ग्रेवी जो है हमारी
वो काफ़ी थिक कर देती है, तो इसीलिए पानी हमने ज़्यादा रखना है ताकि ये काफ़ी पतला रहे और वो खो के भी जो है ना इसका सालन रहे। अब इसको हम जो है इसका प्रेशर ऑन कर देते हैं 10 मिनट के लिए। पाँच मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको 10 मिनट बाद नहीं खोला, मैंने इसको 5 मिनट बाद खोल के चेक कर लिया है और बढ़िया हमारी अच्छी तरह गल चुकी हैं। ये हैं हमारी मूंग दाल की बढ़िया, देखिए माशी दाल की भी होती हैं लेकिन हमने जो है वो मूंग दाल की बनाई है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये हमने अब निकाल लिया है, इसके ऊपर जो है वो 1/2 टीस्पून जीरा, हाथों से मसल के ज़रा इसकी खुशबू आ जाए, और 1/2 टीस्पून जो है वो गरम मसाला। वो ऐड कर दिया। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी डिश आलू वड़ियों की। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।